कि अफवाह फैलाई जा रही है। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू हैशटैग मारवाड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेरी गर्ल और बीकानेरी शेरनी के बारे में। रिसेंटली इनको लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अफीम खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें अरेस्ट कर लिया है। इस न्यूज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीकानेरी शेरनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए क्या कहा, देखिए आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीकानेर की शेरनी, और कल रात से मेरे को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल करा जा रहा है कि बीकानेर की शेरनी मतलब फालतू की अफवाह फैलाई जा रही है। चंद लाइक्स फॉलोवर्स के लिए मेरे नाम को गिराया जा रहा है और मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है ना, मैं उसके अंदर हूँ, ठीक है। ये फालतू की अफवाह फैलानी बंद कर दो, क्योंकि फालतू की जो न्यूज फैला रहे हो इससे हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो 4-5 लाख मेरे फॉलोवर्स हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, कोई अमीर फैमिली की ये मत समझना कि ऐसे वैसे, ठीक है। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की है इंस्टाग्राम पे, बहुत घर वालों की डांट वांट सुनकर, ठीक है। और आप वीडियो वगैरह चुरा कर डाउनलोड करके और मेरे नाम से तुम फेम कमा रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे नाम को खराब कर रहे हो, तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। और कल दिन आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं भी तो किसी की बहन बेटी हूँ। बाकी इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो 2 दिन पहले जोधपुर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत का मामला सामने आया था, उस मामले पर राजस्थान के कई सारे कलाकारों ने भी रिएक्ट किया। लिचू मारवाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा, जोधपुर में जो घटना हुई है सुन के रोना आ गया। क्या हो गया इंसान को, क्यों हैवान बन रहा है, बस न्याय मिल जाए। यहाँ आकर कोई भी राजनेता या प्रशासन चेक या जैक के चक्कर में ना आए। गुरमीत जांगिर ने भी उस न्यूज पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा, मरी गई क्या इंसानियत। सोनल रायका ने भी उस न्यूज पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा, अब भी ये सरकार कब तक इसी डर से जीना पड़ेगा लड़की को, अब सरकार को ऐसे दरिंदों का सीधा एनकाउंटर करना चाहिए। तारा जोधा ने भी एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा, और कितना गिरोगे कुत्तों। और सोनू कंवर ने कहा, कोई मतलब नहीं है रक्षाबंधन करने का, कोई किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, ना हम ना सरकार। और पीयू भाटी ने भी उस पोस्ट को शेयर करते हुए कहा, अब बोलो कपड़े छोटे थे। और साथ ही पीयू भाटी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर करते हुए क्या कहा, देखिए आप। दिखावटी रो जमाने ही केड़ो हाल है, रेप रे खिलाफ पे भी स्टोरी लगा रिया है, जो छोटा कपड़ा में देख छोरियों ने अनाप शनाप माल आर मिनर मन में आवे जो ही बोले, ठीक है ने। अबे वे रेप रे खिलाफ स्टोरी लगा रिया है, तो थे जो शब्द यूज करो न, तो और मुंडा थी जो शब्द निकले वे भी एक प्रकार और रेप ही सिया करे। इन छोरी वास थे नाचवा वाली ना रील्स माते है ना यू करती वेला ना व्यू करती वेला, थोड़ा जो सोच है वोट शौचालय बनियोड़ो जो सोच थे दूसरा रे प्रति यूज करो न, वो भी एक प्रकार और रेप है। थोड़ी सी शर्म कर लो, और अम्मे भी शर्म नहीं आवे तो थोड़ा सा पानी ले नाक डुबो पर मर जाना सोई जैसा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए।